राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जीवन में हम आगे कैसे बढ़ते हैं, अपने रुतबे से, पैसे से, मन से, पहनावे से, किस तरह से? मैं बताऊं, हम अपनी विपरीत परिस्थितियों की वजह से आगे बढ़ते हैं। जब भी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, तब हमें पता चलता है कि हम में कितनी क्षमता है, हम किस तरह के बन सकते हैं और किस तरह की परिस्थितियों को झेल सकते हैं। और कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं। इस बात को थोड़ी और गहराई से जानना है तो मेरी आज की कहानी जरूर सुननी है। कहानियों में असली ज्ञान छुपा है। कभी कभी जीवन में जब हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जब हमें पता ही नहीं चलता कि हम आगे कैसे बढ़े, तब ऐसी ही कहानियां हमारा मनोबल बढ़ाती हैं और बताती हैं कि आगे कदम, आगे कदम। आज की कहानी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कहानी शुरू करूं? तो होता यह है कि एक माँ अपनी बेटी को बहुत दिनों से उदास देख रही होती है। उनसे रहा नहीं जाता और अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी सब कुछ ठीक तो है ना? बेटी कहती है, माँ कुछ भी ठीक नहीं है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ रोज फटकार खाती हूँ अपने बॉस की। दोस्तों से भी बिना बेमन के मिलती हूँ, कोई सच्चा साथी भी नहीं और पैसों की किल्लत अलग से है। जी करता है यहाँ से कहीं भाग जाऊँ। ये बातें सुनकर माँ बहुत गंभीर हो जाती है। अपने हाथ से अपनी बेटी का सर सहलाती है और उसे किचन में ले जाती है और वहाँ पे 3 पैन में पानी भरती है। एक पैन में वो गाजर रखती है, एक पैन में अंडा रखती है और एक पैन में वो कॉफी बीन्स रखती है। अब बेटी के सामने तीनों को चूल्हे पे चढ़ा देती है। अब 20 मिनट इंतजार करती है जब वो गर्म हो जाए। 20 मिनट के बाद वो सारी चीजों को छानती है और अपनी बेटी को बुलाती है और कहती है कि बेटी अब बताओ, तुम ये क्या देख रही हो इन तीनों में? तो वो कहती है कि माँ तुमने एक में गाजर उबाली, गाजर नरम हो गई, एक में अंडा उबाला, अंडा अंदर से सख्त हो गया और तीसरा ये कॉफी बन गई, इसका क्या मतलब है? माँ उसका सर दोबारा सहलाती है, कहती है बेटा इन तीनों को एक ही गंभीरता से जूझना पड़ा, गर्म पानी का। गर्म पानी 20 मिनट इन्हें झुझलाता रहा, मगर अंत में क्या हुआ, जो गाजर थी जो सख्त थी वो नरम पड़ गई, जो अंडा था जो बाहर से सख्त था और अंदर से नरम था वो उसी परिस्थिति में रहकर बाहर से वो ही रहा लेकिन अंदर से सख्त हो गया। और कॉफी का क्या हुआ? कॉफी उस फ्राइंग पैन में थी, गर्म पानी से जूझ रही थी, लेकिन उसने अपना मूल भाव नहीं छोड़ा बल्कि उस पानी को सुगंधित बना दिया। कॉफी बीन से वो कॉफी बन गई। ऐसी ही जीवन की जो कठिनाइयां होती हैं वो बताती हैं कि तुम कैसे इंसान बनना चाहती हो। क्या तुम गाजर जैसा बनना चाहती हो, या तुम अंडे जैसा बनना चाहती हो, या तुम कॉफी बीन बनना चाहती हो, ये तुम पर निर्भर करता है। ये जीवन है। जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर तुम्हें उनसे जूझना आता है, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तो तुम उससे बहुत सुंदर तरीके से जूझ सकती हो। उस बेटी को माँ की बात समझ आ गई और उसने यही कहा कि माँ चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति आए लेकिन मैं हारूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं मुस्कुराती रहूंगी। ये बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई। कहानी का ज्ञान क्या कहता है? कहानी का ज्ञान सिर्फ एक ही बात समझाता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए पर अपना मूल भाव नहीं छोड़ना है, चाहे जीवन में किसी तरह के लोग मिले, क्योंकि आजकल तो झूठी दुनिया है, झूठे लोग हैं, पता ही नहीं चलता किसके मन में क्या है। ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन अगर पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी तरीके से हर इंसान वैसा नहीं होता। अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आपको लगता है कि मैं भी वैसे ही बन जाऊं, वो नहीं बनना है, अपना मूल भाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि कठिनाइयां तो जीवन भर चलेंगी, साथ में चलेंगी, लेकिन अगर आपको अपने बारे में पता है कि आप किस तरह के इंसान हो तो कठिनाइयां यूं निकल जाएंगी। मैंने इस कहानी से यही सीखा है कि कोई भी परिस्थिति आए मुझे अपना मूल भाव नहीं छोड़ना है, मैं जैसी हूं मैं वैसे ही रहना चाहती हूं। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं तो सिर्फ यही है कि अगर किसी ने मुझसे पैसे लिए हैं और वो वापस नहीं कर रहे तो ये नहीं हो सकता कि मैं किसी और से पैसे लूं और मैं भी वही बहाने लगाऊं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं ये सोचती हूं कि मेरे लिए वो रिश्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है,
उस पैसे से ज्यादा, और अगर वो पैसा मैंने दिया है तो मैं देने वाली कोई नहीं हूँ, वो ऊपर वाला है। और अगर वो जानता है, वो समझता है कि वो पैसे मेरे हैं, तो वो मेरे पास ज़रूर आएंगे। लेकिन अपना मूल भाव, अपने जो जैसी मैं हूँ, मुझे वैसे ही रहना है, मुझे किसी की तरह नहीं बनना है, मुझे किसी के साथ में भागना नहीं है, किसी के जैसा नहीं बनना, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाना है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।